मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबरा में ट्रैफिक कुछ हद तक कंट्रोल करने में मुंबरा ट्रैफिक विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर सुरेश लंभाते ने कार्रवाई कर कुछ हद तक कम कर दी थी, मगर कल्याण फाटा पर ट्रैफिक की समस्या अभी भी बनी हुई है। लोग ट्रैफिक होने की वजह से गलत दिशा में वाहन चलाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली गई है। मगर आज एनसीपी के कलवा मुंबरा अध्यक्ष शमीम खान, शानू पठान, हीरा पाटिल, रिनी रिजवी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैफिक के सीनियर सुरेश लंभाते के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे। इनका कहना है कि कल्याण फाटा पर सुबह और शाम वासी लोढ़ा जाने वालों के लिए 12 मिनट जाने को मिलता है, मगर वहीं मुंबरा की तरफ से जो ट्रैफिक होती है उसे सिर्फ 2 मिनट जाने का मौका मिलता है। मुंबरा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इसलिए सभी शिकायत लेकर सुरेश लंभाते के पास पहुंचे थे और सुरेश लंभाते से मुलाकात कर उन्हें निवेदन भी दिया। मैं झूठी बात नहीं करता, इसको ऑन कर देता हूँ सर। 2 मिनट के अंदर 5 बजे के बाद वाशी की गाड़ियाँ छोड़ी जाती है नोएडा के लिए। तो मेरा सवाल है सर, आपने नहीं समझ लिया मेरी बात का, सर जवाब दे दीजिए आप सर प्लीज। नहीं दिया आपने, वो परमिट नहीं आपका सर। जो गाड़ियाँ यहाँ पे जाम होती है सर, साहब मेरा आपसे 2 ही सवाल है। वो जवाब आपका परमिट नहीं है सर, आप इसका जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास शूटिंग है 2 मिनट का, सर सुनिए ना, 2 मिनट के अंदर जो गाड़ी वाशी से लोढ़ा के लिए आती है वो छोड़ दी जाती है। तो जो गाड़ी नासिक से आती है, जो गाड़ी ठाणे से आती है, जो गाड़ी मुंबरा से आती है, जो गाड़ी दीवा से या डोंबोली से निकलती है ठाणे जुक्तर के लिए या ठाणे किसी काम के लिए, उस गाड़ी को 12 मिनट के लिए ब्लॉक क्यों? 12 मिनट की इधर वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे को इसका जवाब चाहिए आपसे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना बाबा, नहीं सर, भगवान साहब आप बैठे, मेरे को इसका जवाब चाहिए। अरे वही शाम के टाइम में मेरा ये बोलना है आपसे साहब। अरे मैं वही जवाब दे रहा हूँ ना आपको, मेरा ये मानना है साहब, अगर आपने जो कहा, आपने एक बात कहा वो बात मैं समझा। आपने क्या बोला कि 2 मिनट आपने, वो मेरा ये मानना है, भगवान साहब यहाँ के क्राइम इंचार्ज है, बागवान साहब भी टाइगर में रहते हैं, बागवान साहब कह दें क्या शमीम खान झूठ बोल रहा है, क्या 12 मिनट के लिए ट्रैफिक को रोका नहीं जाता, क्या 2 मिनट के अंदर छोड़ा नहीं जाता? तो आधा आधा घंटा रुक, मेरा ये मानना है सर, मेरा ये मानना है साहब, तो मैनुअली आप बता दीजिए साहब मेरे को कि मैनुअली में सर आप इतना टाइम उन गाड़ियों को रोकते हैं सर जो गाड़ियां वाशी से लोढ़ा के लिए आती हैं, और कितना मिनट आप मॉर्निंग या इवनिंग में आप हमारी गाड़ियों को रोकते हैं? हमारा एक बात ये साफ कहना, हमने एक लेटर में लिखा भी है कि अगर सर इसका कोई पर्याय हमको बहुत जल्द नहीं मिला तो विदाउट इंफॉर्मेशन सर हम लोग हैवी गाड़ियां बंद करेंगे और हमारा आंदोलन सर इन सर्कल ब्रोकर को। जिस तरीके से अभी हमें मालूम पड़ा, कल हमने इस पर वर्किंग किया तो यहाँ पे कल आकर के मैंने वीडियो शूटिंग कराई, हमें बताया गया कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो वाशी से यानी शाम में 5 to 8 और सुबह के टाइम में जो गाड़ियां लोडा से वाशी जाती हैं, वाशी से लोडा जाती हैं, तो उन गाड़ियों को ये लोग रोकते हैं 2 मिनट के लिए। लेकिन अगर कोई गाड़ी मुंबरा या दीवा मुंबरा से या कलवा से या ठाणे से या नासिक हाईवे है जैन पेटी के लिए जो गाड़ियाँ जाती हैं उन गाड़ियों को ब्लॉक किया जाता है 12 मिनट के लिए। यही मेरा सवाल था आज इंचार्ज साहब से, जो हमारे लंबे साहब हैं, हम लोग आए थे, मैं, हमारे शानू पठान साहब, हीरा पाटिल साहब, रिनी मैडम और तमाम लोग, कि ये क्यों सबके साथ एक सुलूक क्यों नहीं, यहाँ से 2 मिनट रोका जाता है, यहाँ 12 मिनट, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आश्वासन उन्होंने कहा कि आचार संहिता है और हमको 1 मई को महाराष्ट्र दिवस है, उस दिन तक थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए, उसके बाद आप लोगों की DCP साहब के साथ में हम लोग एक जॉइंट मीटिंग लगाएंगे। हम लोगों ने उनको ये बात साफ कह दी है कि 2 नहीं, कम से कम ये 3 से 4 महीने के अंदर 6 जन की मौत हुई है, और 6 जन की मौत, एक तो यूथ लड़का, एक नौजवान लड़का जिसकी नई नई शादी हुई तो उसकी भी मौत हुई, तो ऐसे कितने लोगों की जान यहाँ पे लेंगे। पहले रेती बंदर का खूनी बाईपास था,
अभी शील का खूनी बाईपास हो चुका है। तो आज जो ये ट्रैफिक का मसला है, अगर आप लोधा के लिए 2 मिनट के लिए आप कर रहे हो और इस तरफ के मुमरा के लोगों के लिए जाने के लिए आप 12 मिनट कर रहे हो, आप ये बोलते हो कि वहाँ के लोग जॉब पे जाते हैं, वर्किंग है, तो क्या मुमरा के लोग वर्किंग नहीं है, वो जॉब पे नहीं जाते हैं? क्या वहाँ के नौजवान लोगों को जॉब की ज़रूरत नहीं है? मेरा खुद का अपना बेटा यहाँ से अरौली जाता है, यहाँ से खारघर जाता है, उसको 3-3 घंटा होता है उसके जॉब पर पहुँचने के लिए, तो मुमरा वालों के लिए सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? तो हमारा यही सवाल है कि आपका ट्रैफिक का मसला है, ट्रैफिक के लिए आप बोल रहे हो कि 2 मिनट जो ट्रैफिक विभाग जानबूझकर 100% हो रहा है ना? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों 2 मिनट लोधा और 12 मिनट मुमरा? वहीं एक बार फिर शमीम खान ने मांग पूरी ना होने पर आंदोलन की बात की है, मगर वहीं 12 मिनट और 2 मिनट ट्रैफिक छोड़ने की और गलत दिशा में वाहन चलाने पर ट्रैफिक विभाग के जयेश लंभाते ने क्या कहा है? वाची के तरफ से आती है, इसे 12 मिनट के लिए छोड़ा जाता है तो ऐसा मतलब क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा जानबूझकर नहीं हो रहा है। मॉर्निंग में डोंबिवली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक हेवी रहता है और इवनिंग में मापा की तरफ से, वाशी की तरफ से आने वाला ट्रैफिक, जो लाइट व्हीकल वगैरह वो ज़्यादा रहते हैं, काम करने वाले लोग पलावा लोडा डोंबिवली की तरफ यहाँ से बहुत लोग जाते हैं, तो शाम के टाइम में ये लाइन को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ता है क्योंकि ये लाइन पर लोड ज़्यादा रहता है वाशी लाइन पर, और मुमरा की तरफ से आने वाला भी रहता है, उसको भी हम प्रेफरेंस देते हैं लेकिन इससे थोड़ा उसको कम मिलता है क्योंकि उधर उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। तो जैसे कि लोगों का आरोप है कि जैसे लोढ़ा की तरफ से जो लोग आते हैं वो भी नवापुरी पर जाते हैं, जो इधर से आते हैं तो उनका भी काम पे जाने का समय होता है, तो ऐसा मतलब डिसबैलेंस क्यों हो रहा है? क्या नहीं, मुमरा से जो ट्रैफिक है ये कम है या उधर से ज़्यादा हो रही है, ऐसा क्यों? ट्रैफिक का बैलेंस देख के ही हम काम करते हैं, ट्रैफिक का बैलेंस देख के कौन सी लाइन में ट्रैफिक ज़्यादा है उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आप ये कैसे चेक करते हैं कि किस तरफ ट्रैफिक ज़्यादा है? पता कैसे लगाते हैं कि ट्रैफिक? हमारा एक आदमी गूगल मैप पे देखता है कौन सी लाइन में हेवी ट्रैफिक है, कहाँ ओवरटेक हो रहा है, वो हम देख के काम करते हो। हमारा आदमी बार बार देखता रहता है कौन सी लाइन में हेवी ट्रैफिक है, कौन सी लाइन बढ़ गई है, वो हिसाब से हम काम करते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि अगर ट्रैफिक का जो उल्टी दिशा से गाड़ियाँ चलती हैं तो उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट भी हो रहे हैं गलत दिशा में गाड़ी चलने की वजह से, तो उस पर भी आप लोग मुमरा की तरह क्या इधर कल्याण फाटा में भी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? हम बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी, रोज़ 80-90 केसेस हम रॉन्ग साइड से चलने वाले के ऊपर कर रहे हैं, और उसके फोटोज़ अभी हमारा ये चलन आया है तब से हम फोटो निकाल के ऑनलाइन भी कार्रवाई कर रहे हैं, लाइसेंस भी जमा कर रहे हैं, पैसा भी भर के ले रहे हैं, बहुत कार्रवाई। सुरेश लंभाते का कहना है कि हम मुमरा और वासी के लोगों को देखकर वाहनों को नहीं छोड़ते हैं, हम जीपीएस के जरिए देखते हैं कि किस तरफ से ट्रैफिक ज़्यादा है उसे छोड़ते हैं, रही बात गलत दिशा में वाहन चलाने वालों की तो उन पर कार्रवाई की जा रही है, गलत दिशा में वाहन चलाते कोई भी मिला तो वो बख्शा नहीं जाएगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।